स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? इकोनॉमिक्स में हमने इन्फ्लेशन पढ़ लिया था, कल्लू वाला एग्जांपल देखा था ना, इन्फ्लेशन हमने पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम इसको आगे बढ़ाएंगे और आज हम करंट के ऊपर एक अच्छा सेशन ले लेंगे जिसमें इकोनॉमिक्स भी कवर हो जाएगी, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स कवर हो जाएगी, जिसमें वर्ल्ड की पॉलिटिक्स भी कवर हो जाएगी। आपको इससे बहुत सारी चीजें जानने को मिल जाएंगी आज के टॉपिक से। तो आज हम क्या क्या करेंगे पहले उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, मुख्य परिभाषाएं। इसको समझने के बाद हम देखेंगे रशिया या रशियन इकोनॉमी, फिर थर्ड हम देखेंगे ऑयल प्राइजेस एंड इट्स अफेक्ट। कैसे ऑयल प्राइस इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करती है, कैसे लोअर ऑयल प्राइजेस ग्रोथ को अफेक्ट करती है। फोर्थ हम देखेंगे योम किपुर वॉर एंड ऑयल पॉलिटिक्स। इसको करने के बाद द राइज ऑफ लादेन, ओसामा बिन लादेन, द राइज ऑफ लादेन। तो ये सारी चीजें हमको आज वास्ट में कवर करनी है। आज लिखने का काम अच्छा खासा रहेगा, तो स्पीड आप मैच कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पहले हम देखेंगे। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस करंट के ऊपर आज हमारा टॉपिक है, लेकिन आपको डेफिनेशन में पहले ही समझा दूंगा ताकि जब मैं इनके बारे में आपको पढ़ाऊं तो आपको उसके बारे में समझ में आ जाए। पूरा आज हमको पढ़ना क्या है वो आप समझ लो। सबसे पहले सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, अभी आपको लिखने का काम नहीं करना है। शुरू के आधे घंटे में आपको पूरा समझा देता हूं कि हम करने क्या वाले। तो हमने कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन पढ़ लिया है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। उसके बाद हमने डिमांड पुश इन्फ्लेशन भी पढ़ लिया था, आज मैं आपको ये दोबारा पढ़ाऊंगा और इनको लिखवाऊंगा अभी से। डिमांड पुश इन्फ्लेशन, इसको पुश को पुल मत कर देना, अगर आपने पुश को पुल कर दिया तो उसका मीनिंग एकदम अपोजिट हो जाएगा। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, डिमांड पुश इन्फ्लेशन हम पढ़ चुके हैं। क्योंकि हम आज इकोनॉमिक्स राउंड 360 डिग्री में लेने वाले हैं, इसलिए सबसे पहले इकोनॉमिक्स होती क्या है उसको देखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता होगा, तो इसका एक सिंपल सा मतलब होता है किसी भी देश के जो भी रिसोर्सेस हैं, रिसोर्सेस मतलब संसाधन है, किसी भी देश के जो भी संसाधन है, टेक्निक्स का इस्तेमाल करके इन संसाधनों को मैं रॉ मटेरियल्स बोलूंगा, मतलब कच्चे सामान बोलूंगा, कच्ची वस्तु बोलूंगा। तो रॉ मटेरियल्स से जब आप फिनिश्ड गुड निकालते हो, फिनिश्ड गुड्स मतलब तैयार माल निकालते हो, इसी को हम क्या कह देते हैं, इकोनॉमिक्स बोल देते हैं। सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हो गया, आप किसका काम कर रहे हो, रॉ मटेरियल्स या जो आपके संसाधन है उसको फिनिश्ड गुड तक पहुंचाने का काम आपको इकोनॉमिक्स में करना रहता है। ये एकदम सिंपल डिफिनेशन हो गई। अब इन रिसोर्सेस पे आखिरकार हक किसका होगा, प्रश्न ये है, क्या इस पे सरकार का हक होगा, या इस पे सरकारी कंपनियों का हक होगा, या इस पे प्राइवेट कंपनियों का हक होगा, या इस पे दोनों का ही हक होगा, आखिरकार रिसोर्सेस का मालिक कौन है, मान लो ये प्रश्न आता है तो इसका एक सिंपल सा आंसर आता है। दुनिया में जब दुनिया प्रोग्रेस करने लगी, 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, तो फिर आखिरकार एक प्रश्न आया कि आखिरकार इन संसाधनों का एक देश की सीमा के अंदर जितने भी खनिज पदार्थ मिलते हैं उनका आखिरकार मालिक कौन होगा। तो यहां से तीन तरह की विचारधाराएं मिली। कुछ ऐसे भी देश हो सकते हैं जहां पे इनका मालिक पूरी प्राइवेट कंपनियां हो, जैसे कि अमेरिका। समझ में आ गया, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या बोलना है, ऐसी अर्थव्यवस्था को बोला गया कैपिटलिस्टिक अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जहां पे सरकार बिजनेस में कोई भी टांग नहीं अड़ाती है। अभी आपने अगर अपडेट रहते हैं आप मैगजीन से, तो मार्च की मैगजीन में एक अच्छा स्टेटमेंट आया था नरेंद्र मोदी के द्वारा कि गवर्नमेंट शुड हैव नो बिजनेस इन बिजनेस, गवर्नमेंट का व्यवसाय में कोई व्यवसाय ही नहीं होना चाहिए। अगर आप में से मैं पूछूं कि स्टेट का अर्थव्यवस्था में या किसी भी राज्य का इकोनॉमिक्स में
एक बात ध्यान रखना, अगर किसी ने पहले इकोनॉमिक्स पढ़ा नहीं है तो आज का लेक्चर उनके लिए पूरा फाउंडेशन लेक्चर का काम करेगा और यहां से आपको इकोनॉमिक्स होती क्या है वो समझने में मदद मिलेगी। तो आखिरकार इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र में किसी भी सरकार का किसी भी राज्य का क्या दायित्व होना चाहिए? उनका दायित्व होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों का भला कर पाए। समझ में आ गया? कोई भी सरकार क्या चाहेगी आप ही मेरे को बताओ? उनके लोगों का जीवन ज्यादा से ज्यादा अच्छा रहे, उनके लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जीवन प्रत्याशा ज्यादा से ज्यादा अच्छी रहे, उनको खनिज पदार्थ अच्छी मात्रा में मिलते रहे, उनका न्यूट्रिशन अच्छा रहे, उनको एजुकेशन अच्छी मिले और उनको पढ़ाई अच्छी मिले, सब चीजें मिले उनको। यही कोई भी देश की सरकार चाहती है। और अगर ये सारी चीजें मिल जाए, कौन कौन सी बोला मैंने, एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज, लिविंग स्टैंडर्ड, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब जीवन प्रत्याशा, अगर ये सारी चीजें मिल जाती हैं तो अपने देश का HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक अपने आप बढ़ जाता है। मानव विकास सूचकांक मतलब ये देश में काउंट किया जाता है, हर देश में इसकी रैंकिंग निकाली जाती है कि मानव का विकास आखिरकार इस देश में चल कैसा रहा है। तो मान लो मैं बोल दूं इंडिया का स्थान इसमें 150 है, मतलब भारत के जो नागरिक हैं उनका विकास दुनिया में कौन से नंबर पे आ रहा है, 150वें नंबर पे आ रहा है। तो मतलब हमें अपने लोगों के जीवन स्तर को अच्छा बढ़ाना बनाना है और इस रेटिंग में आगे बढ़ना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, HDI को बढ़ाना पड़ेगा। अब HDI को बढ़ाएंगे कैसे वो सुनो। हमारे देश में जो ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है या रहा है, प्राइवेट सेक्टर पे हो या गवर्नमेंट सेक्टर पे हो या कंपनियों में हो या फैक्ट्री में हो या कृषि पे हो, हमारी सरकार के पिछले कुछ सालों में कमी रही है, जो कि जापान ने नहीं किया ऐसा बिल्कुल, हमारी सरकार की कमी रही है कि हमारी सरकार ने सब चीजों में खर्च किए हैं लेकिन भारत के लोग जो भारत के नागरिक हैं इन पे में ऐसा खर्च नहीं हुआ है। मतलब क्या है, आप मेरे को बताओ, किसी भी देश की पॉपुलेशन सरकार के लिए असेट का काम करना चाहिए, पूंजी का, संपत्ति का, या लायबिलिटी का काम करना चाहिए, मतलब जिम्मेदारी का। हमारे देश की सरकार के लिए हमारी पॉपुलेशन जनसंख्या क्या होना चाहिए, जिम्मेदारी होना चाहिए या पूंजी होना चाहिए, पूंजी ही होना चाहिए ना। हमारे देश की सरकार यह चाहती है कि मेरे देश के जो लोग हैं वो मेरे ऊपर जिम्मेदारी बन के काम नहीं करें, वो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे और हम उनको क्या बना दें, पूंजी बना दें। मतलब हमको रिसोर्सेस पे संसाधन पर खर्च करना है लेकिन सबसे पहले रिसोर्सेस को संसाधन को आप खोदोगे निकालोगे उसके लिए आपको आदमी चाहिए। तो आदमी क्या गवार बिना पड़ा हुआ क्या उनको डायरेक्ट खोदने निकल जाएगा क्या? तो सबसे पहले हमको कौन से संसाधन पर खर्च करना है, मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेस। सबसे पहले क्या आवश्यकता है, कौन से संसाधन पर हम खर्च करें, मानव संसाधन पर खर्च करें। इतनी बात समझ में आ गई। अगर हम मानव संसाधन पर खर्च करते हैं मतलब उनको एजुकेशन देते हैं, उनको शिक्षा देते हैं, उनको मेडिकल फैसिलिटीज देते हैं, उनको हायर एजुकेशन देते हैं, उनको स्किल ट्रेनिंग देते हैं, तो फिर हमारी 125 करोड़ जनसंख्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो जिम्मेदारी नहीं वो पूंजी हो जाएगी। मोदी जब कहते हैं आप एक कदम आगे बढ़ो, 125 देशवासी जब एक कदम आगे बढ़ेंगे तो देश 125 करोड़ आगे बढ़ जाएगा, याद है कि नहीं है। मोदी जब ये बोलते हैं कि अगर आप एक एक व्यक्ति एक एक कदम आगे बढ़ोगे तो देश 125 करोड़ आगे बढ़ जाएगा कदम, वो कैसे होगा, जब आपकी जो पॉपुलेशन है जनसंख्या है वो आपके लिए जिम्मेदारी रहे या पूंजी रहे, वो आपके लिए जिम्मेदारी ना हो के पूंजी रहे। तो हमको सबसे पहले किस पे खर्च करना पड़ेगा, मानव संसाधन। मानव संसाधन पर खर्च करेंगे तो क्या होगा, स्किल मिलेगी, ट्रेनिंग मिलेगी, पढ़ाई बढ़ेगी, एजुकेशन मिलेगी, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, तो हमारा HDI अपने आप बढ़ जाएगा। तो आपसे अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा जरूरत कौन से क्षेत्र में इन्वेस्ट करने की है, मेक इन इंडिया और ह्यूमन रिसोर्सेस। समझ में आ गया, मेक इन इंडिया में सबसे पहले किस चीज में, किस क्षेत्र में खर्च करने की जरूरत है, इन्वेस्ट करने की, एजुकेशन में या मानव संसाधन में या ह्यूमन रिसोर्सेस में। इतनी बात समझ में आ गई। और ह्यूमन रिसोर्सेस में एक बार खर्च कर दिया तो HDI अपना बढ़ जाएगा अपने आप ही। और सरकार का मेन उद्देश्य क्या था, मानव जीवन को बेहतर बनाना, वो उद्देश्य पूरा हो जाएगा।
जापान में 1945 में विश्व युद्ध दूसरे के दौरान दो बार बम गिराए गए, परमाणु बम हमला किया गया, न्यूक्लियर वॉर वेपन किया गया। जापान ने उसके बाद ही 20 या 30 साल के अंदर अपने आप को दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा कर लिया। जबकि अगर कोई भी देश परमाणु बम अगर उस पर गिर जाए तो लगभग उसको 100-150 साल लग जाते हैं कम से कम उसी स्थिति पे आने पे। जापान अपनी स्थिति जो उसकी 1945 के समय थी या उससे भी बेहतर स्थिति मात्र 20-30 सालों में ले आया। कैसे? उन्होंने किस चीज पर खर्च करा है? मानव संसाधन पे, ह्यूमन रिसोर्सेस पे, अपने लोगों को ट्रेनिंग दे दे के उनको ज्यादा। अच्छा, अगर आपने ह्यूमन रिसोर्सेस पे पैसा खर्च कर दिया तो वो क्या बन जाएंगी? ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल मतलब मानव पूंजी, मानव पूंजी। और इसी को आप क्या बोलते हो? एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योरशिप। इसी को आप क्या बोलते हो? एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता बोलते हो। तो उद्यमिता को बढ़ाने का रास्ता मैंने आपको बता दिया, ज्यादा ज्यादा किस पे खर्च करा जाए? ह्यूमन रिसोर्सेज पे। तब क्या होगा? हमारी जनसंख्या हमारे लिए जिम्मेदारी नहीं, पूंजी का काम करेगी। अब वापस आते अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक क्या था? किसी भी देश की सरकार आखिरकार क्या का काम करे इकोनॉमिक्स में, टांग अड़ाने का या आगे बढ़ाने का? अभी क्या बोला था मैंने? गवर्नमेंट शुड हैव नो बिजनेस इन बिजनेस। गवर्नमेंट का बिजनेस में कोई बिजनेस ही नहीं होना चाहिए। अगर अच्छी अच्छी मैगजीनें पढ़ोगे तो इससे यह फायदा होगा। समझ में आ गया? गवर्नमेंट का उद्देश्य एक बार और याद दिला दो, क्या होगा? लोगों के जीवन को बेहतर बनाना। अब दूसरा पॉइंट, किसी भी अर्थव्यवस्था का मेन चैलेंज क्या होता है? भारत की अर्थव्यवस्था हो या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था हो, इसका चैलेंज क्या होगा? आपने इन संसाधनों से माल तो तैयार कर लिया, वस्तु तो तैयार कर ली, लेकिन आपके देश की जो पॉपुलेशन है उसमें इसको बांटना भी तो है ना। आपने पूरा इससे संसाधनों से माल तो तैयार कर लिया, वस्तु तो तैयार कर ली, अगला चैलेंज क्या होगा? इनको बांटे कैसे? तो फिर बांटना दो तरीके से हो सकता है। कैसे कैसे? या तो सरकार खुद ही बांटे या प्राइवेट कंपनियां खुद ही बांटे। बांटने का काम प्राइवेट कंपनी तो करेगी नहीं, उसका अलग कंसेप्ट है, वो देखेंगे। तो या तो सरकार या प्राइवेट कंपनियां या भारत में होता है जैसे दोनों बांट दें। कैसे? हमारे देश में अगर आप चाहोगे तो आपको आशीर्वाद आटे का 5 किलो का पैकेट भी मिल जाएगा, वो मार्केट बांट रहा है डायरेक्ट आपको, और हमारी सरकार 1 रुपए प्रति किलो गेहूं सब्सिडी देके भी देती है। तो हमारे देश में दोनों तरह की वितरण प्रणाली है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। किस किस के द्वारा किया जाता है? सरकार के भी द्वारा किया जाता है और मार्केट के द्वारा भी किया जाता है। एक बात ध्यान रखना, जब भी मैं आपसे बोलूं मार्केट किसी चीज को बांटने की बात करूं तो आपको यह याद रखना है कि मार्केट केवल एक ही चीज के आधार पे उसकी प्राइस को फिक्स करता है, डिमांड। अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा है तो प्राइस हाई होगी, अगर किसी चीज की डिमांड लो है तो डिमांड तो उसकी प्राइस भी लो होगी। तो मार्केट प्राइस फिक्स करने में, बाजार मूल्य फिक्स करने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या काम आती है? मांग। यहां तक समझ में आ गया? मांग ज्यादा है तो दो चीज हमने डिस्कस कर ली। पहली चीज क्या थी? आखिरकार सरकार का एम। दूसरा क्या? संसाधनों को 3 तरीके से उस पर हक हो सकता है, या तो सरकार का हक या पूंजीवादी का या दोनों का, जैसे इंडिया में दोनों का चलता है, कैपिटलिस्टिक भी है और पूंजीवादी भी है और समाजवादी भी है, सोशल भी है। समझ में आ गया ना? तो हमारी इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है। अब अगर मैं आपसे बोलूं सरकार क्या चाहेगी कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था बढ़े या घटे, सिंपल से क्वेश्चन, बढ़े, यही चाहेगी ना। हमारे देश की जीडीपी बढ़े या घटे? बढ़े। हमारे देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम हो या ज्यादा हो? कम हो। हमारे देश की जो आर्थिक स्थिरता है वो बनी रहे या टूट जाए? बनी रहे। हमारे देश में जितनी भी चीजें हैं, इन्फ्लेशन बढ़े या कम हो, महंगाई बढ़े या कम हो? महंगाई कम से कम स्थिर तो रहे, बढ़े तो नहीं, यही चाहिए ना। अब एक चीज याद रखना, कुछ इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट समझा रहा हूं, फिर ही आपको ये पूरा समझ में आएगा। मैंने आपसे बोला हमारे देश की सरकार का एक एजेंडा, ये लिख लिया आपने। मैंने आपसे क्या बोला है? हमारे देश की सरकार का एक मेन एजेंडा या किसी भी देश की सरकार का एक मेन एजेंडा क्या रहता है? अब लिखना स्टार्ट करो, आर्थिक स्थिरता। आर्थिक स्थिरता मतलब इकोनॉमिक
स्टेबिलिटी। आर्थिक स्थिरता, और पहला आर्थिक स्थिरता, दूसरा आर्थिक समानता। आर्थिक समानता मतलब फाइनेंशियल या इकोनॉमिक इक्वलिटी, समझ में आ गया। और इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक वृद्धि, यही कोई भी देश की सरकार चाहेगी। ये तीनों हो गए तो इसके साथ साथ अगर मानव संसाधन पर भी पैसा खर्च कर दिया गया तो वो अपने आप जिम्मेदारी से पूंजी बन जाएगी और ये तीनों चीजें तो आएंगी। देखो अगर ये तीनों चीजें आई तो ये अपने आप हो जाएगा, और अगर ये अपने आप हो गया तो ये तीनों चीजें वैसे ही आ जाएंगी ना। अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था बढ़ी तो सरकार के पास ज्यादा पैसा होगा तो सरकार अब इसमें खर्च कर सकती है, तो ये बढ़ गया तो HDI बढ़ गया। और अगर ये लोग अपने आप ही पूंजी बन गए तो फिर ये तो अपने आप ही हो जाएगा ना, दोनों एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, समझ में आ गया। आर्थिक स्थिरता का मतलब क्या है इसको समझना। 2012 में मेरी GDP रही 5.7% मान लो, 4.1% मान लो, 2013 में मेरी हो गई मान लो 5%, और 2014 में मेरी हो गई मान लो 1.1%। तो आर्थिक स्थिरता है मेरे देश में या नहीं है? आर्थिक स्थिरता नहीं है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है। अब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे गिर सकती है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये तो समझ में आ गया ना, आर्थिक स्थिरता होनी चाहिए, आर्थिक स्थिरता नहीं रही तो पूरा कबाड़ा हो जाएगा देश का। आर्थिक समानता का मतलब क्या है? अरे किसी के पास भारत में आधे से ज्यादा जो पॉपुलेशन है उनके पास $1.31 की जो कीमत होती है, मतलब लगभग 70 से, इसका मतलब हो गया लगभग 90 से 100 रुपए, 125 करोड़ की पॉपुलेशन में से लगभग 60 करोड़ पॉपुलेशन हमारी ऐसी है जिस जो व्यक्ति एक दिन में 90 या 100 रुपए भी नहीं कमा पाता, समझ में आ गया ना, 90 या 100 रुपए भी नहीं कमा पाता। तो एक तरफ आप देख रहे हो कि आपके देश में 60 करोड़ पॉपुलेशन 90 से 100 रुपए नहीं कमा पा रही है, और दूसरी तरफ आप बड़े बड़े उद्योगपति देख रहे हो 25,000 करोड़, 50,000 करोड़। तो क्या हमारे देश में आर्थिक समानता है क्या? नहीं है ना। अब इसका गैप जितना बढ़ता जाएगा उतना ही कबाड़ा होता चला जाएगा, ये समझ में आ गया, क्लियर है? दोनों चीजें क्लियर हो गई, आर्थिक स्थिरता क्या होती है, आर्थिक समानता क्या होती है, आर्थिक वृद्धि मतलब इकोनॉमी लगातार हमारी बढ़ती चली जाए, अर्थव्यवस्था लगातार हमारी बढ़ती चली जाए, ये तीनों टर्म क्लियर हो गए। अब आज का जो मेन टॉपिक है, ये हमने पूरा बैकग्राउंड सेट कर लिया है, अब आज के टॉपिक पे आओ, बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि आखिरकार ऐसा हुआ क्या था। ओसामा बिन लादेन मजबूर हो गया अमेरिका पे आक्रमण करने के लिए। तो याद रखिएगा एक टॉपिक ये आर्थिक स्थिरता, मैं बार बार याद दिलाऊंगा इसके बारे में आपको, आर्थिक स्थिरता। महंगाई हुई तो आर्थिक स्थिरता गड़बड़ा जाएगी, बहुत बढ़िया। अगर बेरोजगारी बढ़ती गई तो आर्थिक स्थिरता गड़बड़ा जाएगी, बहुत बढ़िया। अगर भूकंप आ गया तो आर्थिक स्थिरता बिगड़ जाएगी, बहुत बढ़िया। अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री में कोई डिसीजन मेकिंग ही नहीं है, निर्णय लेने की क्षमता ही नहीं है, तो आर्थिक स्थिरता रहेगी क्या? नहीं रहेगी। और अगर हमारे देश में इन्वेस्टमेंट नहीं आया जिसकी हमको बहुत जरूरत है और वो आ ही नहीं रहा है, और हमारी लोकल ग्रोथ ही नहीं हो रही है, रिसेशन आ गया, आर्थिक मंदी आ गई, और हमारे देशवासियों ने हमारे उत्पादों की डिमांड ही कम कर दी, मांग ही कम कर दी, अगर मांग कम होगी तो वो खर्च ही नहीं करेंगे, समझ में आया, तो फिर क्या आर्थिक स्थिरता रहेगी क्या? नहीं रहेगी। आर्थिक स्थिरता को दिमाग में रखना 2 घंटे तक, बस एक इतना सा काम करना है, समझ में आ गया ना, बस और कुछ नहीं। अब पूरा बैकग्राउंड सेट करते हैं। ऑयल की प्राइजेस, ऑयल 1945 के बाद, कुछ भी नहीं लिखना आपको, मैं अगले आधे घंटे के बाद सब नोट करवाऊंगा आपको, अभी आप समझो। ऑयल की प्राइजेस 1945 के बाद क्या हुआ था समाप्त? दूसरा विश्व युद्ध। उसके बाद जो रियल व्यापार स्टार्ट हुआ था, वो व्यापार कब से स्टार्ट हुआ था? दूसरे विश्व युद्ध के बाद। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे मेन कमोडिटी कौन सी बन गई? ऑयल, पेट्रोल। क्योंकि आपको कुछ भी आर्थिक गतिविधि करनी है तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए? ऑयल चाहिए।
अब आप मेरे को ये बताओ, जब किसी देश की अर्थव्यवस्था नीचे की तरफ जाएगी तब ऑयल की मांग कम होगी या ज्यादा होगी? कम होगी ना, बहुत बढ़िया। अगर किसी देश की आर्थिक स्थिति खराब है, मतलब वहां पे चीजों की मांग ही नहीं है, मांग नहीं है तो बनेंगी भी नहीं, बनेंगी नहीं तो ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं होगा, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो हमको ऑयल भी नहीं चाहिए। मतलब अगर किसी देश में, ध्यान रखना एक और चीज, अगर किसी देश में आर्थिक गतिविधि, इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक गतिविधियां ज्यादा है तो फिर वहां पे ऑयल की डिमांड ज्यादा होगी। अगर किसी देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी कम है तो वहां पे ऑयल की डिमांड कम होगी। अब मेरे को बताओ, भारत में क्या आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही है या कम हो रही है? बढ़ रही है। ऑयल की डिमांड ज्यादा रहेगी या कम रहेगी? ज्यादा रहेगी। 2010 तक हम, या अभी आपसे लेटेस्ट बात करूं, जितना भी हमको ऑयल चाहिए होता है, पेट्रोल, उसका 75% हम बाहर से मंगाते हैं और 2030 तक हम उसका 92% बाहर से मंगाएंगे। समझ में आ गया ना? अभी हम जितना भी ऑयल यूज कर रहे हैं उसका 95% बाहर से मंगाते हैं। मतलब हम ये सोच के चल रहे हैं 2015 के बाद हमारी आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी तो हमको ज्यादा ज्यादा तेल की जरूरत होगी। एक और बार रिवाइज कर लेते हैं, जिस देश में ज्यादा आर्थिक गतिविधियां हैं वहां ऑयल की डिमांड ज्यादा या कम? जिस देश में आर्थिक गतिविधियां कम वहां पे ऑयल की डिमांड ज्यादा या कम? कम। तो जब आर्थिक मंदी आएगी तो ऑयल की डिमांड कम होगी या ज्यादा? कम होगी। आर्थिक मंदी आई, तेल की मांग कम, तो तेल की मांग कम हो गई तो उसकी रेट बढ़ेगी या कम होगी? कम ही होगी ना, मांग ही नहीं है तो रेट कम होगी, मांग होगी तो रेट ज्यादा होगी। यहां तक समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। 1945 के समय, समझते जाना, 1945 के बाद जब दूसरा विश्व युद्ध एंड हुआ, ऑयल एक इतनी इंपॉर्टेंट कमोडिटी बन गई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कमोडिटी, कुछ भी काम इसके बिना तो होना ही नहीं है। इसमें जानने लायक एक बात यह है कि 1945 से लेके 1974 तक और 1974 के बाद, आज हमको दो टाइम पीरियड पढ़ने हैं, कौन कौन से? 1945 से लेके 1974, लगभग 30 साल हो गए, और फिर 1974 के बाद हुआ क्या था? 1945 में दूसरा विश्व युद्ध एंड हुआ और 1974 तक ऑयल की प्राइस एकदम स्थिर थी, ना उनमें गिरावट थी ना वो बढ़ रही थी, एकदम स्थिर थी। अगर मैं आज की लेटेस्ट, कल की ही 29 मई की बात करूं, लेटेस्ट ऑयल की प्राइस अगर इंडिया में बताऊं, $60 पर बैरल। एक बैरल की रेट कितनी? $60। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? 159 से लेके 60। तो एक बैरल की रेट कितनी हो गई? $60। लेटेस्ट बता रहा हूं, कल की। इससे पहले कितनी थी? एक महीने पहले $50 पर बैरल। 2014 के जून में कितनी थी? $115 पर बैरल। तो ऑयल की प्राइस 2014 के जून से जो $115 एक बैरल की थी, अब वो घट के कितनी हो गई? $60 पर बैरल। तो हमको फायदा है कि घाटा है? फायदा है ना। पहले जो तेल हमको 75% तेल की जरूरत पड़ रही है, पहले वो 115 के भाव में मंगाते थे और अब वो 60 के भाव में मंगाएंगे। समझ में आ रहा है? और हमारी देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है, अगर मिश्रित अर्थव्यवस्था है तो सरकार क्या सब्सिडी दे सकती है? क्या ऑयल में हमको सरकार सब्सिडी देती है? तो अब जो सरकार तेल पे सब्सिडी देती थी, अब वो कम देना पड़ेगी उसको। अगर वो कम देगी तो उसके पास बहुत सारा पैसा बचेगा, पैसा बचेगा तो क्या होगा? इंडस्ट्री खोलेंगी और क्या होगा? ह्यूमन रिसोर्सेस, क्या लायबिलिटी एसेट याद आ गया, मानव संसाधन पर खर्च कर पाएगी। इतना क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो 1974 तक ऑयल की प्राइस क्या रही दोस्तों? स्थिर। विशेषज्ञों के आकलन के अनुसार आप अब लिखो कि अगर ऑयल की प्राइस स्थिर रही तो क्या होगा? स्टेबिलिटी इन ऑयल प्राइसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इन द इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री।
मतलब क्या है समझ लो इसको, अगर मेरे देश को मेरे को स्थिर रखना है तो तेल की प्राइस स्थिर हो या घटती बढ़ती रहे, स्थिर रहे। जितना ज्यादा ऑयल की प्राइस स्थिर रहेंगी, स्थिर का मतलब मेरा है बढ़े ना, घट भली जाए, अगर किसी भी देश में आपको अर्थव्यवस्था में स्थिरता रखनी है तो एक चीज में स्थिरता होना चाहिए, उसका नाम क्या है, ऑयल। तो आप मेरे को बताओ अर्थव्यवस्था में स्थिरता रही तो क्या 1945 से लेकर 1974 तक तेल में स्थिरता रही थी क्या? तो मतलब मेरी अर्थव्यवस्था में स्थिरता रही थी। 1945 से लेकर 1974 तक तेल की कीमतें की रेट थी $2.1 पर बैरल, एक बैरल की रेट कितनी हो गई $2.1। 1973 के बाद 74 में कुछ ऐसा हुआ, अचानक $15 बैरल, मतलब एक बैरल की रेट कितनी हो गई 15, लगभग कितना गुना हो गया, 8 गुना हो गया ना 7 गुना हो गया ना, तो 7 गुना बढ़ गई। कितनी बढ़ गई, क्या क्या चीजें याद रखनी है, क्लास की स्टार्टिंग में बताया था, एक तो आर्थिक स्थिरता, दूसरा आर्थिक समानता, तीसरा याद रखने की बात है 7 गुना। कितना गुना, 7 गुना मतलब कितना परसेंट, 700 या 600 मान लो, या 7 गुना याद रखोगे, 7 गुना हो गई। यहां तक क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब एक चीज बताना है इसमें, $2.1 पर बैरल से $15 पर बैरल हो गई, 2014 के जून में कितनी हो गई थी 115, और अब कितनी हो गई 60। तो ये तो स्थिरता बिगड़ रही है, मतलब अगर ऑयल की स्थिरता बिगड़ रही है तो अर्थव्यवस्था की स्थिरता भी बिगड़ती रहे। मैं आपको फाइनली ये बताना चाहता हूं, जिस समय ऑयल की प्राइस में स्थिरता थी तब हर देश की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी, आर्थिक वृद्धि हो रही थी, हर देश में पूरा एम्प्लॉयमेंट था, फुल एम्प्लॉयमेंट, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट से मेरा मतलब ये नहीं है हर व्यक्ति रोजगार था, अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट था, एम्प्लॉयमेंट भी था, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट कम था, बेरोजगारी कम थी, समझ में आ गया, आर्थिक वृद्धि अच्छी थी, इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी थी, अनएम्प्लॉयमेंट कम था, इन्फ्लेशन कम होगा या ज्यादा, महंगाई कम होगी या ज्यादा, महंगाई कम होगी, इन्फ्लेशन कम था, मुद्रास्फीति कम थी, महंगाई कम थी, मतलब मैंने आपको एक चीज रटा दी है, क्या, जब जब ऑयल की प्राइस में स्थिरता रहेगी तब तब अर्थव्यवस्था में स्थिरता रहेगी, तब तब हमारी आर्थिक वृद्धि होगी, तब तब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और बेरोजगारी घटेगी, और तब तब मुद्रास्फीति महंगाई घटेगी। अच्छा अगर मैंने आपसे उल्टा बोल दिया तेल की प्राइस में अस्थिरता रही तो इसका उल्टा हो जाएगा, आप ही मेरी मदद कर दो, अर्थव्यवस्था में अस्थिरता, इकोनॉमिक ग्रोथ अब कम होगी या ज्यादा, कम, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा कि कम, ज्यादा होगा, और इन्फ्लेशन कम होगा कि ज्यादा, बढ़ेगा। एक बात बताता हूं, अभी 2 साल के अंदर जो भारत की इन्फ्लेशन रेट 10% चल रही थी वो अब गिर गई है और लगभग 6% के आसपास हो गई है। भारत की इन्फ्लेशन रेट जो कि 10% बढ़ रही थी वो 6% हो गई है। अब ये परसेंटेज क्या है, मतलब अगर आप कोई चीज 100 रुपए में खरीद रहे थे तो अब उसकी रेट 110 हो गई, मान लो ये रजिस्टर में 100 रुपए में खरीद रहा था तो अब इसकी रेट 110 हो गई, अब लेकिन कितनी रह गई 106, 4 रुपए से गिर गई, तो फायदा है। एक और याद दिलाता हूं, बाद में आपको पॉइंट लिखा दूंगा, ये चीजें समझ में आ गई, एक और बार रिवाइज करते हैं, तेल की कीमत में स्थिरता मतलब अर्थव्यवस्था में स्थिरता, और ये तीनों अच्छे चलेंगे, तेल की कीमत में अस्थिरता मतलब ये तीनों बिगड़ जाएंगे, और हमारी सरकार का मेन एम क्या था, आर्थिक स्थिरता, वो नहीं रही। यहां तक क्लियर हो गया, 1974 के बाद अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए, 1974 के बाद सर ऐसा हुआ क्या था कि तेल की कीमत 7 गुना बढ़ गई, लगभग 7 गुना बढ़ गई, $15 हो गई, जो पहले कितनी थी $2 मात्र, अब वो $15 हो गई। तो तेल के सबसे बड़े उत्पादक देश या निर्यातक देश, प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर देश कौन से हैं, अरब देश और रशिया।
उस समय की बात कर रहा हूं, अरब में सऊदी अरेबिया भी आ गया और भी देश आ गए और रशिया। 1973 में एक युद्ध लड़ा गया था जिसका नाम था यौम किपुर युद्ध। क्या नाम था उसका? यौम किपुर युद्ध। आगे मैं आपको मैप के थ्रू दिखाऊंगा, लेकिन अभी पूरी पिक्चर समझा देता हूं। यौम किपुर युद्ध में, केवल समझना, यौम किपुर युद्ध में, पहले पूरा नक्शा समझा देता हूं, हाथों की मदद से मैं आपको नक्शा समझा रहा हूं, पूरे के पूरे जो भी इस देश, जो भी इस युद्ध में देश शामिल थे। यहां पे पड़ रहा है इजिप्ट, ठीक है, बीच में पड़ रहा है इजराइल, यहां पे इजिप्ट, बीच में इजराइल, यहां पे स्विस केनाल है, यहां पे सीनियाई पेनिनसुला, एक और बार, यहां पे क्या है इजिप्ट, बीच में इजराइल, स्विस केनाल, सीनियाई पेनिनसुला और एकदम इधर है सऊदी अरेबिया। समझ में आ गया? मतलब तीन मेन देश ले लो, सबसे पहले कौन सा? इजिप्ट। दूसरा कौन सा? तीसरा कौन सा? ऊपर कौन? सीरिया। समझ में आ गया? उसके ऊपर कौन? लेबनान। सीरिया के ऊपर लेबनान और सीरिया के नीचे कौन बताया था? सऊदी अरेबिया। इन दोनों के बीच में कौन? जॉर्डन। यहां तक क्लियर? एक और बार, इजिप्ट, इजराइल, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान। यहां तक क्लियर? हुआ क्या? एक देश इधर है, एक देश इधर है, बीच में इजराइल है, एक देश सीरिया, दूसरा सऊदी अरेबिया, बीच में इजराइल, एक इजिप्ट। अब एक प्लान बनाया 1973 में यौम किपुर वार के दिन, किस किस ने? इजिप्ट ने, सीरिया ने और सऊदी अरेबिया। एक बार, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, सीरिया, हम तीनों मिलके बीच में फंसे इजराइल पे आक्रमण करेंगे। आ गया समझ में? उस आक्रमण का कारण क्लास के अंत में देखेंगे, लेकिन आक्रमण करेंगे। सबसे पहले इजिप्ट यहां से घुसा। आप ऐसी स्थिति मान के चलो यार, एक तरफ इंडिया, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ बांग्लादेश, एक तरफ श्रीलंका, तीनों मिलके आक्रमण करने की सोचना है। इधर से पाकिस्तान घुसा, मतलब इधर से इजिप्ट में कौन घुसा? इजिप्ट से कौन घुसा? इजराइल में घुस गया इजिप्ट। जैसे इजिप्ट इजराइल में आया, बमबारी शुरू। इजराइल में यौम किपुर धार्मिक दिन माना जाता है, जैसे कि महात्मा गांधी, वो तो राष्ट्रीय दिन हो गया, हमारा कोई भी एक धार्मिक दिन मान लो, आप यौम किपुर दिन मान लो, दिवाली, उस दिन इन्होंने आक्रमण करा। तो इजराइल तो पूरी तरह तैयार नहीं था, इजराइल 5-6 दिन तक, और इजिप्ट का एजेंडा एक ही था, इजिप्ट ने यह सोचा था मैं पूरी तरीके से तबाह कर दूंगा इजराइल को, और यही सऊदी अरेबिया ने सोचा था, यही सीरिया ने सोचा था। मतलब एक तरफ कौन कौन थे? इजिप्ट, सीरिया, सऊदी अरेबिया, दूसरी तरफ था इजराइल। क्या सोचा इन तीनों ने? मिटा देंगे इजराइल को। किस दिन गए? धार्मिक दिन के दिन। 5-6 दिन तक इजराइल को मौका ही नहीं मिला, क्योंकि वो तैयार नहीं था। 5-6 दिन के बाद इसराइल ने अपनी सेना तैयार करी और तुरंत अमेरिका इसराइल की मदद करने के लिए पहुंच गया। अमेरिका ने उस युद्ध में इसराइल को $202 करोड़ रुपए के हथियारों की मदद की थी। कितने करोड़? $202 करोड़ की मदद की थी यौम के पर। किसको? इसराइल को। अच्छा बेटा, और अमेरिका उस समय कौन था? याद है कि नहीं, 1945 में जापान पे 2 धमाके किसने किए थे? अमेरिका। तो अमेरिका उस समय परमाणु शक्ति बन चुका था, और अमेरिका के बाद परमाणु शक्ति रशिया बन चुका था। अब इजराइल की मदद करने पहुंच गया $202 करोड़ के हथियार लेके अमेरिका। जैसे ही अमेरिका पहुंचा, इधर घुस गया रशिया, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मतलब पूरा प्लेटफॉर्म एक बार लास्ट बार समझा देता हूं। एक तरफ है इजराइल और अमेरिका, दूसरी तरफ है इजिप्ट, सीरिया, सऊदी अरेबिया और रशिया। और अरब अकेला नहीं, अरब के 5-6 देश थे, गठबंधन था अरब का पूरा, ये लड़ रहे हैं। लेकिन इनमें सबसे पहले इकट्ठे नहीं लड़े, सबसे पहले इजराइल में घुसा इजिप्ट। जैसे ही वो घुसा, दोनों में घमासान चलता रहा, उसका कुछ सिचुएशन का अंत ही नहीं निकला, एक स्टेलमेट सिचुएशन आ गई। स्टेलमेट सिचुएशन का मतलब दोनों को समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। जैसे इन दोनों के बीच में युद्ध चल रहा था, अब घुस गया वहां से सीरिया।
जैसे इनके बीच में युद्ध चल रहा था, यहां से घुस गया सऊदी अरेबिया और तीनों ने मिलके इसराइल को हराने की कोशिश की। फिर भी युद्ध का नतीजा इसराइल के ही पक्ष में निकला, क्योंकि इसराइल के साथ बिग डैडी अमेरिका खड़े थे। रशिया का दिमाग खराब हो गया, इजिप्ट का दिमाग खराब हो गया, सऊदी अरेबिया का दिमाग खराब हो गया। इस युद्ध के बाद सबसे ज्यादा क्षेत्र किसने जीते थे? इसराइल ने जीते थे। इसराइल ने अब इजिप्ट का हिस्सा भी खींच लिया अपनी तरफ और इसराइल ने सीरिया का गोलन हाइट्स का हिस्सा भी अपनी तरफ खींच लिया। युद्ध लड़े इन्होंने तो फिर भी हार गए। इतना नहीं, 1973 के इस युद्ध के पहले जो 6 अक्टूबर को लड़ा गया था उसके पहले 1957 में एक और युद्ध हुआ था। वो किस किस के बीच में था? इनके बीच में। अमेरिका मतलब कौन सी कम्युनिटी? क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम? क्रिश्चियन। यहां तक क्लियर है? 1957 के युद्ध में फ्रांस और ब्रिटेन ने साथ दिया इसराइल का, किसके खिलाफ? इनके खिलाफ। 1967 के युद्ध में फ्रांस, 1967 के युद्ध में, 1973 में योम किपुर वॉर, उससे पहले 1967 का युद्ध हुआ था 6 दिन का युद्ध, उसके पहले 1957 में एक और युद्ध हुआ था जिसका नाम क्या है? ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर इसराइल की मदद की थी। ब्रिटेन और फ्रांस कौन? क्रिश्चियन। बहुत बढ़िया। उससे पहले एक और 1948 का युद्ध हो चुका था जिसमें इसराइल ने, मतलब जितने भी 4 या 5 युद्ध इतिहास में हुए सब में इसराइल ने बैंड बजाई थी इजिप्ट की, सीरिया की, सऊदी अरेबिया की। और मदद कौन कर रहा था? क्रिश्चियन कम्युनिटी। क्रिश्चियन कम्युनिटी मतलब पश्चिम देश, वेस्ट। ये सब बातें एक नौजवान नोटिस कर रहा था। कौन? ओसामा बिन लादेन। सब बातें नोट कर रहा था अपनी डायरी में कि आखिरकार ये मैटर मेरा था 1973 का। तूने इसराइल की 202 करोड़ डॉलर से मदद क्यों की? ये मेरा और इसका बीच का आपस का मामला था। ब्रिटेन और फ्रांस, वेस्ट, इन्होंने मदद क्यों की इसराइल की? और ओबामा जिस समय पैदा हुआ था उस समय ओबामा को पता चल गया था सऊदी अरेबिया को एक ही कमोडिटी ने जिंदा रखा है, ऑयल। इस युद्ध में अमेरिका ने किसकी मदद की थी? इसराइल की। सऊदी अरेबिया रशिया का दिमाग खराब हो गया। सऊदी अरेबिया और रशिया ने उस दिन कसम खा ली कि अब हम, अमेरिका सबसे आगे बढ़ रहा है, आर्थिक गतिविधि ज्यादा है तो तेल ज्यादा चाहिए या कम? बताया था ज्यादा। अमेरिका की आर्थिक गतिविधि ज्यादा थी कि कम? ज्यादा। तेल ज्यादा चाहिए ना, ले $15, पहले 2 में दिया था ना, ले अब 15 में दूंगा। क्या कर ले? अमेरिका पूरा चुपचाप हो गया, कुछ बचा ही नहीं अमेरिका के पास बोलने के लिए। एकदम सऊदी अरेबिया रशिया ने यह कसम खा ली, हर दिन जितना भी मैं ऑयल बनाता हूं 5% कम कर दूंगा। 5% कम मतलब? अरे 5% कम मतलब मैं अगर उत्पादन कम करूंगा तो मैं पूर्ति कम करूंगा, और अगर पूर्ति नहीं हुई सामने वाले की तो वो रेटे बड़ा बड़ा के खरीदेगा। $15 रेट कर दी। समझ में आ गया क्यों हुई थी $15? और मदद करने पहुंच, और अभी बहुत सारा इतिहास बाकी है। किसका? ओसामा बिन लादेन का। एक और बात सुन लो, ओसामा बिन लादेन इस समय ये सब चीजें देख रहा था, उसको समझ में आ गया था वो पश्चिम से बहुत नफरत करता था, वेस्ट की आइडियोलॉजी से बहुत नफरत करता था। ओसामा बिन लादेन का यह कहना था कि वेस्ट की जितनी भी, पश्चिम की जितनी भी विचारधाराएं हैं वो हमारे समाज, मुस्लिम समाज को पूरी तरीके से बर्बाद कर रही है, और इसके लिए ही ऐसा हिंदुस्तान के मुस्लिम भी सोचते थे। इसलिए 1980-90 के दशक के दौरान भारत में एक ऐसा संगठन बनाया गया था जिसका काम था कि मुस्लिम जो कि प्रभाव में लगते हैं वेस्टर्न कल्चर के, उनको बाहर निकाला जाए। उसका नाम था सिमी। क्या नाम था उसका? सिमी। बाद में सिमी खुद ही एक आतंकवादी संगठन बन गया था और फिर सिमी को 21वीं शताब्दी में अंत कर दिया गया, क्योंकि वो भड़काने वाली बातें मुस्लिमों को सिखाने लगा था। इसलिए यहां तक क्लियर? बहुत बढ़िया। तो योम किपुर वॉर की सारी चीजें नोटिस कर रहा था।
क्या ओसामा बिन लादेन को वेस्टर्न कल्चर पसंद था क्या? नहीं था। यहां तो ड्रिंकिंग का काम है, यहां पे तो फैमिली यूनिट है ही नहीं, फैमिली ब्रेकडाउन हो चुकी है। पापा इतने रहते हैं, मम्मी उतने रहते हैं, बच्चा इतने रहते हैं, मोड़ा उतने रहते हैं, मोड़ी उतनी रहते हैं, काय को परिवार, परिवार ही नहीं है। उस समय हुआ क्या, देखना हिस्ट्री कैसे अपने आप को ले जा रही है किस तरफ। उस समय पता लगा 1975 के दौरान कि ओसामा बिन लादेन जो कि सऊदी अरेबिया के एक अमीर फैमिली में रहने वाला व्यक्ति था, सऊदी अरेबिया के उस समय के जो राजा थे, उस राजा का जो मति भ्रष्ट एक भतीजा था, उस मति भ्रष्ट भतीजे ने अपनी पढ़ाई करी थी अमेरिका में, और जब वो अमेरिका से लौटा उसने अपने चाचा अरब के राजा की हत्या कर दी। ओसामा बिन लादेन का दिमाग खराब हो गया, ये वहां से परिवार के टूटने की शैली सीख के आया है। इसके ऊपर किसका प्रभाव दिख रहा है? वेस्टर्न कल्चर। अब मैं कसम खाता हूं, और इतना ही नहीं, 1975 में ओसामा बिन लादेन बेरियत में था, बेरियत मतलब लेबनान। बेरियत में उस समय क्रिश्चियन और मुस्लिमों का युद्ध चल रहा था, ये सारी बातें वो अपने दिल पे ले रहा था। इतना ही नहीं, 1979 में ओसामा बिन लादेन, इस शॉर्ट टाइम नाउ, अब है शॉर्ट टाइम मेरा, ओसामा बिन लादेन इस शॉर्ट टाइम नाउ, 1979 में आयातुल्ला जो कि ईरान का एक व्यक्ति था, ईरान के जो शाह थे या ईरान के जो राजा थे, आयातुल्ला ने उनकी हत्या कर दी। क्यों करी? क्योंकि शाह अमेरिका का बहुत नजदीकी था, उसका दोस्त था। तू अमेरिका का दोस्त है ना, और तू ईरान का शासक है ना, आयातुल्ला ने इसको समाप्त कर दिया। ओसामा बिन लादेन एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, यही मेरा गुरु है आयातुल्ला, इसने शाह को हटा दिया क्योंकि अमेरिका का समर्थक था। अब मेरे को अपने जीवन की दिशा मिल गई है, और मेरे जीवन की दिशा एक ही है, 9/11 का हमला। समझ में आ गई पूरी पिक्चर? तो अब इसमें अमेरिका की गलती है, ओसामा बिन लादेन की, यह तो कहा ही नहीं जा सकता। किसकी गलती है? सपोर्ट नहीं करा होता अमेरिका ने तो आज कुछ अलग ही पिक्चर देखने को मिलती। अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर, तो आप लिखने का काम रहेगा। रशिया के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा है। तो रशिया में ऑयल को किस तरीके से ऑयल ने रशिया की बैंड बजा दी है, सबसे पहले वो देखेंगे, क्योंकि समझ में आ गया ना आज ऑयल क्यों ले रहे हैं हम। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे इंपॉर्टेंट कमोडिटी बन चुकी है ऑयल, तो ऑयल को देखते हैं। पहला चार्ट देखो, तो पहला चार्ट दिख रहा है, क्या लिख रहा है? हेडिंग क्या लिख रही है? आउट ऑफ द रूबल। सबसे पहले आप यहां पे देखो क्या लिख रहा है, इंटरनेशनल रिजर्व एंड मंथ डॉलर बिलियन। सबसे पहले काम करो, लिखो 1 मिलियन बराबर 10 लाख, 10 मिलियन बराबर 1 करोड़, 100 मिलियन बराबर 10 करोड़, 1000 मिलियन बराबर 100 करोड़ बराबर 1 बिलियन, ये याद रखना। तो हम बात कर रहे हैं बिलियन की। अगर मैं आपसे बोलूं 2 बिलियन मतलब कितने करोड़, 200 करोड़। अगर मैं आपसे बोलूं 10 बिलियन मतलब 1000 करोड़। अगर मैं आपसे बोलूं 5 बिलियन मतलब 500 करोड़। समझ में आ गया? अब यहां पे आओ, रशिया की कितनी बुरी तरीके से बैंड बज रही है, क्योंकि ऑयल की प्राइस कम हो रही है, और रशिया को कम से कम, अभी मैंने आपको बताया ऑयल की प्राइस अभी कितनी है, 60 रुपए प्रति बैरल। रशिया को अगर अपनी अर्थव्यवस्था चलानी है तो कम से कम वो चाहता है ऑयल की प्राइस कितनी रहे, $100। $100 वो चाहता है, और अभी $60 है, तो रशिया की तो बैंड बजनी है, तो वो देखेंगे आगे। आउट ऑफ द रूबल, इंटरनेशनल रिजर्व एंड ऑफ द मंथ डॉलर बिलियन। नीले कलर से देखना, ब्राउन कलर का ब्राउन कलर से देखना। तो सबसे पहले नीचे की तरफ देखो क्या लिख रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। अक्टूबर 2014 से लेके अप्रैल 2015 तक। तो आप जरा देखो
अगर मैं रशिया के इंटरनेशनल रिजर्व नीली कलर की लाइन की अक्टूबर में बात करूं तो लगभग कितने मिल रहे हैं? 430 बिलियन डॉलर। 1 बिलियन में 100 करोड़ होते हैं। इंटरनेशनल रिजर्व का मतलब विदेशी भंडार कितने रुपए का है? 430 बिलियन। नवंबर में लगभग कितने हो गए? 420 बिलियन डॉलर। दिसंबर में लगभग कितने हो गए? 390। 400 से नीचे 390 होंगे ना। जनवरी में कितने रह गए? 380। कितने हो गए अभी तक? लगभग 350 बिलियन डॉलर। तो रशिया में लगातार क्या विदेशी मुद्रा भंडार कम होता जा रहा है? क्या कम होता जा रहा है? 430 से 350 रह गया, मतलब एक साल में, एक साल भी नहीं हुआ, 8-9 महीने में कितने बिलियन डॉलर के रिजर्व कम हो गए? 80 बिलियन डॉलर के रिजर्व कम हो गए। और ये याद रखना, अगर मैं आपको जून 2014 से आज तक के बताऊं, क्या बोलूं मैं, जून 2014 से लेके आज अप्रैल 2014 तक रशिया के कुल मिला के कितने रिजर्व खाली हो गए, कितने भंडार खाली हो गए, तो उसका आंसर है लगभग 130 बिलियन डॉलर। 130 का अगर आपने 100 से इंटू कर दिया तो आ जाएंगे करोड़ में 130,000 करोड़ डॉलर के रशिया के 6-1 साल के अंदर उसका विदेशी भंडार कम हो गया। तो ये तो कितनी बेकार बात है। इतना ही नहीं, आप मेरे को बताओ, अगर हम चाहते हैं भारत में स्थिरता रहे तो $1 की रेट 60 हो या $1 की रेट 70 हो? 60 हो। जितना कम रेट होगी उतना में फायदा होगा। तो आप देखो अक्टूबर 2000, अब आप ब्राउन लाइन को ब्राउन से देखना, आपके राइट साइड में 30, 40, 50, 60, 70 लिखा हुआ है। ऊपर की तरफ पढ़ो, रूबल अगेंस्ट द डॉलर, इन्वर्टेड स्केल। इन्वर्टेड स्केल का मतलब होता है सबसे छोटा ऊपर हो और सबसे बड़ा नीचे हो, इन्वर्टेड स्केल। तो ब्राउन को ब्राउन से देखना, क्या लग रहा है आपको, अक्टूबर में $1 की रेट कितने रुपए, कितने रूबल थी रशिया की करेंसी? 40। दिसंबर में कितनी बुरी हालत हो गई उसकी, जनवरी में कितनी बुरी हालत हो गई कि जनवरी में रेट कितनी हो गई? 70। मतलब $1 पहले रशिया 40 रूबल में खरीदता था, अब वो $1 के लिए उसको 70 रुपए देना पड़ रहा है। थोड़ी बहुत राहत की सांस उसको मिली है, क्योंकि अभी की रेट अगर मैं आपसे बोलूं तो लगभग कितनी है? 55। शुरुआत कहां से हुई थी? 40 से, और अब कितनी हो गई? 55। मतलब जो डॉलर रशिया 40 रूबल में खरीदता था अब वो 55 रुपए में खरीद रहा है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो रशिया के पास भंडार थे वो कम होते जा रहे हैं। एक साल में लगभग कितने भंडार कम हो गए? 130,000 करोड़ रुपए के भंडार कम, और इतना भयंकर रूबल गिरता चला जा रहा है। तो रशिया की जीडीपी के बारे में एक आकलन है। अच्छा, आपको एक चीज बता दी मैंने, जीडीपी टू डेप्थ रेशियो। जीडीपी मतलब आप समझते हो एक साल के अंदर भारत की सीमा के अंदर जितना भी उत्पादन और जितनी भी सेवाएं दी जाती है उनका जो मूल्य होता है वो होता है जीडीपी। एक साल के अंदर भारत की बाउंड्री के अंदर जितना भी प्रोडक्शन और सर्विसेज का जो प्राइस होता है वो जीडीपी होता है। जीडीपी टू डेप्थ, डेप्थ मतलब क्या होता है? कर्जा। डेप्थ मतलब क्या होता है? कर्जा। रशिया की अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है। कैसे बिगड़ रही है बता रहा हूं। रशिया के सेंट्रल बैंक का नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया। वो क्या कर रहा है अभी आपको बताता हूं, इससे बुरी खबर रशिया के लिए क्या होगी। जीडीपी टू डेप्ट रेशियो मतलब रशिया अब अपनी जीडीपी का परसेंट में कर्जा ज्यादा लेगा या कम लेगा? ज्यादा ही लेगा ना, उसके पास पैसा कहां है? 101,30,000 करोड़ डॉलर से उसकी जीडीपी कम हो गई, उसकी जीडीपी नहीं उसके रिजर्व कम हो गए, उसके रूबल की रेट लगातार गिनती चली जा रही है। इतना ही नहीं, उसका कर्जा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इतना ही नहीं, क्या बताया था रशिया को कम से कम कितने रुपए चाहिए, ऑयल की प्राइस कितना डॉलर, अभी कितनी है? तो ऑयल की प्राइस गिर रही है, उसका घाटा बढ़ रहा है, सरकारी घाटा बढ़ रहा है, कर्ज बढ़ रहा है, लगातार फॉरेन रिजर्व कम हो रहा है। और सुनो, अगर ऐसी स्थिति होगी तो जो बाहर के इन्वेस्टर रहेंगे वो अपना पैसा आपके देश में आके लगाएंगे या जो उन्होंने लगा रखा है उसको वापस ले लेंगे? पिछले एक साल में रशिया में से इन्वेस्टर ने 100 बिलियन डॉलर वापस खींच लिए, अपने रिस्क नहीं लेंगे। समझ में आ गया? 100 बिलियन डॉलर
रशिया से वापस खींच लिए, उसमें ये प्लस कर लो, उसमें कर्जा प्लस कर लो, तो रशिया की ये हालत चल रही है अभी। क्यों? ऑयल की प्राइस में कमी और घुस यूक्रेन में इसकी वजह से, और वो पूरा का पूरा रशिया में अभी सबसे बड़ा पॉलिटिकल चैलेंज चल रहा है कि इस्लामिक कंट्री से कभी भी एंट्री हो सकती है रशिया के अंदर। ये सारी चीजें रशिया को एक श्रिंकिंग जीडीपी सिकुड़ती हुई अर्थव्यवस्था की तरफ ले जा रही है, जो कि अनुमानित है इस साल वो 4% से कम होगी। आर्थिक अस्थिरता दिख रही है कि नहीं दिख रही? नहीं दिख रही कि दिख रही है? दिख रही है। बेरोजगारी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। इन्वेस्टर अपना पैसा लगाएंगे या वापस लेंगे? वापस लेंगे। फॉरेन रिजर्व कम होंगे या ज्यादा होंगे? कम होंगे। इन्फ्लेशन बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। अब आया बीच में द ग्रैंड डैडी, कौन? सीबीआर, सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया। सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया, आपको मैंने बोला था, आप जब भी आए टाटा मैग्रा हिल की इकोनॉमिक्स पढ़ के आए, टाटा मैग्रा हिल की इकोनॉमिक्स की बुक में आपको एक टॉपिक मिलेगा यूरोजोन क्राइसिस। यूरोजोन क्राइसिस में आपने पढ़ा होगा कि लगातार देश का जीडीपी के डेप्थ का कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है, कर्जा बढ़ता जा रहा है, कर्जा बढ़ता जा रहा है, कर्जा बढ़ता जा रहा है। सोवरेन डेप्थ जिसको बोलते हैं, सोवरेन डेप्थ लगातार बढ़ती जा रही है, कर्जा लगता। तो फिर क्या हुआ? ग्रीस में सबसे ज्यादा कर्जा ले लिया, लगभग 130% अपनी जीडीपी का। 130% अपनी जीडीपी का मतलब है ग्रीस में इनकम 100 रुपए और ग्रीस 130 रुपए खर्च करने के लिए उधार ले रहा है, कहां से चुकाएगा? तो फिर ऐसे में क्या होगा? बैंकों को आना पड़ेगा। यहां पे यही डर है कि कहीं यूरो जोन क्राइसिस जैसा ही, यूरो जोन संकट जैसा ही रशिया में ना हो जाए। इसलिए सीबीआर ने बोला चिंता मत करो, तुम्हें भार का एक और चीज, रुक जाओ, रशिया के ऊपर अगर मैं आपको पिछले 5-6 महीनों का या इस साल की जो बैलेंस शीट आनी है उसमें रशिया को जितना कर्जा देना है फॉरेन को, रशियन कंपनीज को, $100 बिलियन। रशिया का जो सबसे अमीर आदमी है, क्या नाम है उसका? उस्मानोव। क्या नाम है उसका? उस्मानोव। उस्मानोव की टोटल प्रॉपर्टी दिखा रहा हूं अभी आपको, $14.5 बिलियन। कितनी है? $14.5 बिलियन। पिछले 6 महीनों में उसकी कितनी कम हो गई? $4.5 बिलियन का लॉस हो गया उस व्यक्ति को पिछले 6 महीने में। कितना लॉस दिख रहा है? ये आपको मैंने पेन से बना दिया और मिटा दिया तो इतना ज्यादा लगेगा नहीं, इसको रुपए में कन्वर्ट करोगे तो $450 करोड़ आ रहा है, इतने का नुकसान हो गया। मतलब जितना उसके पास रुपया था उसका लगभग 20-30% उसका पैसे का लॉस होता चला जा रहा है और कर्जा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। कंपनियों को $100 बिलियन का कर्जा चुकाना है, रशिया का रूबल लगातार गिरता जा रहा है, वहां पे फॉरेन रिजर्व नहीं है, अर्थव्यवस्था बेकार चल रही है। सेंट्रल बैंक बोला चिंता मत करो, मैं $50 बिलियन तुमको दूंगा कंसेशन की रेट में। कंसेशन समझते हो? ये मोबाइल में लाया हूं या मैं एक शॉपकीपर हूं, ये मोबाइल की कीमत है 5,000 रुपए, कंसेशन दे दिया मैंने 2,000 का। इसकी ओरिजिनल प्राइस कितनी है, मतलब इसकी क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस जितने में मैंने खरीदा 5,000 रुपए, इसको मैंने कंसेशन में दे दिया। डॉलर की एक्चुअल रेट कितनी है? 55, कंसेशन में दूंगा 45 में। डॉलर ही कंसेशन में दे रहे हो, $50 बिलियन कंसेशन में दे रहा है रशिया का सेंट्रल बैंक। और इतना ही नहीं, रशिया का सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट कितनी रखी थी, मतलब आप अगर लोन लेने जाओगे तो 14% में आपको इंटरेस्ट देगा। घटाएगा या बढ़ाएगा? घटाएगा ना, तभी तो लोग लोन लेंगे और लोन लेंगे तभी तो चुकाएंगे। 12.5% कर दिया। तो रशिया की इकोनॉमी पूरी समझ में आ गई, करंट आ गया पूरा समझ में 360 डिग्री कि करंट चल क्या रहा है रशिया में। अब इसको लिख लेते हैं, लिख लो, कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं तो लिखते हैं इसको। देखिए, रशिया इंटरनेशनल रिजर्व, रशिया विदेशी भंडार, पूरे आंकड़े मैं आपको लिखा देता हूं। रशिया इंटरनेशनल रिजर्व, रशिया विदेशी भंडार, लिखो। पहला,
जून 2014 में कितने थे? इसको थोड़ा सा चेंज कर लो, ऐसा लिखो, फ्रॉम जनवरी 2015 फॉलन बाय $30 बिलियन। मतलब जनवरी 2014-15 से कितने कम हो गए उसके, गिर गए कितने से, 23 बिलियन। और अगर मैं बात करूं अप्रैल 2014 से आज तक की टिल डेट, तो उसके कितने से कम हो गए, बताया था ना, $130 बिलियन से कम हो गए। पॉइंट लिखिए, रशिया इंटरनेशनल रिजर्व आर कंटिन्यूसली फॉलिंग। रशिया के विदेशी मुद्रा भंडार लगातार कम होते चले जा रहे हैं। रशिया के विदेशी मुद्रा भंडार लगातार कम होते चले जा रहे हैं। इन्वेस्टर आर नॉट रेडी टू टेक रिस्क इन रशिया। निवेशक रशिया में किसी भी प्रकार की रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। निवेशक रशिया में किसी भी प्रकार की रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। और निवेशकों ने भी रशिया से $150 बिलियन रुपए वापस ले लिए। मतलब क्या है, देख लो, यहां पे आए हैं या गए हैं, किस एरो में बनेगा, पहले वाले में या दूसरे में? $150 बिलियन ऐसे बना लो, दूसरे वाले में आए थोड़ा ना है। समझ में आ गया कि नहीं? अब आप सेकंड चार्ट पे आओ, एक पॉइंट और लिखो पहले। रशियन करेंसी रूबल हैड टेरिबली गॉन डाउन इन 2014। रशिया की मुद्रा रूबल 2014 में भयंकर गिरी है। हमने देख लिया गिरी है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, गिर रही है लगातार, ड्यू टू फॉलन ऑयल प्राइजेस, तेल की कीमतों में कमी के कारण। अगला चार्ट में आपको दिखा देता हूं, वो ही उसका ही एक्सप्लेनेशन चार्ट है, तो आप जरा यहां पे देख लीजिए, दिख रहा है कि नहीं तेल की प्राइस, तेल लाल कलर से दिख रहा है, लगातार गिर रही है, बढ़ रही है। तेल की प्राइस आपको लेफ्ट हैंड साइड से मैच करनी है और रूबल की प्राइस आपको राइट हैंड साइड से चेक करनी है। लेफ्ट सबसे पहले क्या दिख रहा है, 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, तो लेफ्ट हैंड साइड जो कि 0 से शुरू हो रहा है उसमें चेक करो आप तेल की प्राइस, तो तेल की प्राइस लगातार गिर रही है, कम हो रही है, कितनी हो गई, इतना सा नहीं देख पा रहे हैं? जब आपसे बोल रहा हूं ऑयल की प्राइस को आपको वाई एक्सिस से चेक करना है, तो वो यहां पे देखो ना, 50 हो गई ना, $50 रह गई, शुरुआत कहां से हुई थी, 110 से 50 रह गई मात्र। अब जरा आप रूबल की प्राइस चेक करो, गिर रही है या बढ़ रही है, बढ़ रही है ना, कितनी हो गई थी लगभग 72-73 हो गई थी, अभी कितनी है, 55 के आसपास। तो रशिया का रूबल गिर रहा है या बढ़ रहा है, लगातार गिरता चला जा रहा है, यही लिखा है हमने। अगला पॉइंट लिखो, रशिया फैक्ट एंड फिगर्स, रशिया आंकड़े और तथ्य, रशिया फैक्ट एंड फिगर्स, आंकड़े और तथ्य, इस पे आओ, इस डायग्राम पे आओ। नीली वाली लाइन का मतलब है प्रोडक्शन, मतलब उत्पादन, और आपको ऑरेंज कलर की लाइन दिख रही है उसका मतलब है कंजप्शन, मतलब उपभोग। रशिया तेल का कितना उत्पादन करता है, लगभग 9 मिलियन बैरल एक दिन में, 9 मिलियन, 1 मिलियन में कितने होते हैं 10 लाख, 90 लाख बैरल एक दिन में उत्पादन करता है। और यूज कितना करता है, लगभग 2, आज की स्थिति के बताऊं तो लगभग 2। रशिया एक दिन में तेल की खपत कितनी करता है दोस्तों, 2 मतलब 20 लाख बैरल, बनाता कितने हैं 90 लाख बैरल, बचे कितने 70 लाख बैरल, तो भार कितने भेजेगा 70 लाख बैरल। लिख लो, रशिया एक दिन में 7 मिलियन बैरल, मिलियन में लिखना, लाख में मत लिखना, रशिया एक्सपोर्ट 7 मिलियन बैरल
7 मिलियन बैरल ऑयल पर डे। रशिया एक दिन में 7 या 70 लाख या 7 मिलियन बैरल तेल का निर्यात करता है, ठीक है। और रशिया विश्व में दूसरे नंबर का तेल का सबसे बड़ा निर्यातक है। लिखो, रशिया इज द सेकेंड बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल इन द वर्ल्ड। पहला सऊदी अरेबिया है और दूसरा रशिया है। रशिया इज द सेकेंड बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द ठीक है, आगे बढ़े। जो अभी समझाया वही लिखा रहा हूं। लिखो, रशिया फैक्ट एंड फिगर्स, रशिया तथ्य एवं आंकड़े, रशिया तथ्य एवं आंकड़े, लिखना स्टार्ट करो। 3 साल के लिखा रहा हूं, 2013, 2014, 2015, पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। तो 2014 में रशिया की पहले लिखो जीडीपी, यहां पे लिखो डेप्थ टू जीडीपी रेशियो। डेप्थ टू जीडीपी का रेशियो मतलब कर्जा कितना ले रखा है। इधर लिखो गवर्नमेंट डेफिसिट, सरकारी घाटा, गवर्नमेंट डेफिसिट। सरकारी घाटा कब होगा? जब आप कमा कम रहे हो और खर्च ज्यादा कर रहे हो। सरकार के पास इनकम कम आ रही है और ज्यादा खर्च कर रही है। तो रशिया की 2013 की जीडीपी लिखी है 2.09 ट्रिलियन डॉलर। कितनी है? 2.09 ट्रिलियन डॉलर। कितने परसेंट से बढ़ी थी? 1.3% से। 2014 में रशिया की जीडीपी लिखी है, 2014 में रशिया की जीडीपी डॉलर 1.85 ट्रिलियन। कम हुई या बढ़ी? बहुत बढ़िया, 0.6% से ग्रो करी। 2015 में और कम होगी या बढ़ेगी? आप ही बता दो मेरे को, कम हुई या बढ़ी? -3.8%। मतलब 2015 में अगर मैं आपसे पूछूं कि रशिया की इकोनॉमी बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी या कम होगी, कितने परसेंट से? लगभग 4% से। जिस देश की अर्थव्यवस्था या जीडीपी नीचे गिरती है उस देश को बोलते हो आप श्रिंकिंग जीडीपी, सिकुड़ती हुई अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था रशिया की लगातार सिकुड़ती चली जा रही है, अपन ने इतने सारे प्रूफ देख लिए। कारण क्या है दोस्तों? तेल की कीमत में कमी। अब तेल की कीमत में कमी से होगा क्या, उसके लिए इंतजार करिए। क्या लगता है, डेट टू जीडीपी रेशियो कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? कर्जा ज्यादा ले सरकार या कम ले? बताओ, कम ले तभी है ना। लिखो 12.74%। मतलब जितनी भी अर्थव्यवस्था की जीडीपी है उसका कितना परसेंट कर्जा ले रखा था उसने, और 2014 में कितना ले लिया? 2015 में अभी आंकड़े तो आए नहीं है क्योंकि पूरा लिया नहीं है। ये तो प्रोजेक्टेड जीडीपी है, काल्पनिक है, ऐसा बोला गया है। इसके तो आंकड़े में अभी आपको बता नहीं सकता 2015 के। अब लिखो यहां पे गवर्नमेंट डेफिसिट। गवर्नमेंट डेफिसिट का मतलब सरकारी घाटा, 0.02%, जो कि बहुत कम है, जो कि बहुत कम है। हेड्स ऑफ टू रशिया एट दैट टाइम। अब हो गया 0.5% और अब हो गया 3.8%। मतलब आप इससे मेरे को देख के बताओ, रशिया की जीडीपी कम हो रही है बढ़ रही है? कम हो रही है। रशिया के कर्जे बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। रशिया का सरकारी घाटा कम हो रहा है या बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। रशिया में रूबल की प्राइस कम हो रही है या बढ़ रही है? बढ़ रही है। रशिया की अर्थव्यवस्था सिकुड़ रही है या विकसित हो रही है? सिकुड़ रही है। रशिया में इंटरनेशनल रिजर्व कम हो रहे हैं या ज्यादा हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। रशिया में लोग बाग अपना पैसा खींच रहे हैं या लगा रहे हैं? खींच रहे हैं। तो रशिया की इकोनॉमी किस तरफ जा रही है? रशिया ही जा रहे, अपन को क्या करना। इससे आपको अच्छा खासा समझ में आ जाएगा। अगले पे आइए, अगला पॉइंट देखो। अब मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, इस सब के कारण बीच में कौन कूदा था? सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया। उसने क्या किया था? इंटरेस्ट रेट 14% से बढ़ा के वही लिखना है। लिखो, लिखो, ड्यू टू दिस सीबीआर हैज लूजन्ड इट मॉनेटरी पॉलिसी। इसी के कारण सीबीआर, रशिया का सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया या रशिया का केंद्रीय बैंक, इसी के कारण रशिया के केंद्रीय बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति में सुधार लाते हुए ब्याज की दरों को 12.5% कर दिया है, जो पहले 14% थी। 12.5% कर दिया है जो पहले 14% थी। ड्यू टू दिस सीबीआर हैज लूजन्ड इट मॉनेटरी पॉलिसी
मेकिंग इंटरेस्ट लेट लोअर टू 12.5% विच अर्लियर वाज 14%, जो कि पहले 14% थी। इस चार्ट पे आओ, पहले वाला मैं आपको बता रहा हूं जो आपको लिखाया था, इसको जरा समझा देता हूं मैं एक मिनट का समय लेके। तो आपसे मैंने बोला था जनरल गवर्नमेंट, बैंक, डेप्ट दिख रहा है, डेप्ट मतलब क्या, कर्जा। तो कर्जा लगातार इस समय में आपको बढ़ता दिख रहा है या कम होता दिख रहा है? 2016-2015 में बढ़ता दिख रहा है, 2016 के स्टार्टिंग में फिर बढ़ता दिख रहा है। समझ में आ गया ना, ये उस पॉइंट का मतलब है। अब मैंने अगला पॉइंट क्या लिखा है आपको, जल्दी बोलो। रशिया के सेंट्रल बैंक ने क्या करा, रेट कम कर दिया, बढ़ा दी। इंटरेस्ट रेट कम होती है, ब्याज दरें कम होती है, इसका मतलब समझ लेना। पहले लेक्चर में पढ़ाया था, फिर समझा देता हूं। इंटरेस्ट रेट, ब्याज दरें पहले थी 14, अब कर दिया 15%। ठीक है, आप एक बात बताओ, महंगाई बढ़ेगी तो आप मांग कम करोगे या ज्यादा करोगे? मांग कम करोगे। मांग कम करोगे तो उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा तो वस्तुएं कम बनेंगी, वस्तुएं कम बनेंगी तो जीडीपी गिरेगी, और जीडीपी गिरेगी तो खतरनाक काम है। तो अब सरकार क्या चाहेगी, जीडीपी बढ़ाए या जीडीपी को दोबारा से रेल की पटरी पे दौड़ाए। अब 12.5% है, 15% कर दी थी, माफी चाहता हूं उसके लिए, 12.5। तो सरकार अब बीच में आ गई, सरकार ने इंटरेस्ट रेट कम कर दी, तो अब लोग बाग सरकार से पैसा, जो बैंक से उनको 14 रुपए में मिल रहा था सैकड़े, अब वो 12.5 मिल रहा है, तो पैसा लेंगे। लिखो, इंटरेस्ट रेट जब कम होगी, ये फॉर्मूला याद रखना, इंटरेस्ट रेट जब कम हुई, ब्याज दर कम, पीपल बोरो मनी, लोग कर्ज लेते हैं या पैसा लेते हैं बैंक से, पीपल बोरो मनी। ठीक है, जब पीपल बोरो मनी करेंगे तो उनको खर्च करेंगे या बचा के रखेंगे, खर्च ही करेंगे। लिखो, इन्वेस्ट या स्पेंड, मतलब या तो उसको निवेश करेंगे या खर्च करेंगे। जब खर्च करेंगे या निवेश करेंगे तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगी, और ये सब हो गया, साइकिल रन अगेन। समझ में आ गया ना, अगर इंटरेस्ट रेट कम हो गई तो लोग बाग कर्ज लेंगे तो उसको खर्च करेंगे और चुकाएंगे, और उसको निवेश करेंगे, निवेश करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगी, और ये साइकिल दोबारा से रन हो जाएगी। सेंट्रल बैंक ने क्यों कर दी कम आ गया, समझ में आ गया ना पूरा। अगला लिखो, और एक और चीज बताई थी, कंसेशन पे देगा, लिख लो उसको भी। सीबीआर मॉनेटरी पॉलिसी, सीबीआर की नई मौद्रिक नीति, सीबीआर मॉनेटरी पॉलिसी, सीबीआर की नई मौद्रिक नीति। बिकॉज द रूबल कोलैप्स्ड, क्योंकि रूबल लगातार गिरता चला जा रहा है, बिकॉज द रूबल कोलैप्स्ड, क्योंकि रूबल लगातार गिरता चला जा रहा है, इट लॉन्च्ड, इट मतलब कौन, सीबीआर, $50 बिलियन स्कीम टू लैंड डॉलर्स, $50 बिलियन स्कीम टू लैंड डॉलर्स एट कंसेशनरी रेट्स। क्योंकि रूबल लगातार गिरता चला जा रहा है, केंद्रीय बैंक ने $50 बिलियन को कम कीमत, कंसेशन रेट कम कीमत पर देने का विचार किया है। कम कीमत मतलब डॉलर ही अब मैं कम में दूंगा, 60 होगी तो 55 में दूंगा। ब्रैकेट में लिखो क्यों, अरे कर्जों का भुगतान भी तो करना है ना, अभी बताया था इन्वेस्टर ने अपना पैसा बना लिया, और इस साल की बैलेंस शीट में रशिया का कितना कर्ज आएगा, $100 बिलियन, उसको चुकाना भी है ना। ब्रैकेट में लिखो डेप्ट रिपेमेंट्स, कर्ज भुगतान का, कर्ज पुनर्भुगतान के लिए। अब चौथा पॉइंट लिखो, थिंग्स डू नॉट गुड लुक फॉर रशिया, चीजें रशिया के लिए अच्छी नहीं दिख रही हैं, चीजें रशिया के लिए अच्छी नहीं दिख रही हैं, थिंग्स डू नॉट गुड लुक फॉर रशिया, चीजें रशिया के लिए अच्छी नहीं दिख रही है। बिकॉज रशियन फर्म, क्योंकि रशिया की फर्मों पे
बिकॉज रशियन फर्म स्टिल हैव डॉलर 100 बिलियन एक्सटर्नल डेब्ट्स, क्योंकि रशिया में की फर्मों पर आज भी 100 बिलियन डॉलर, बोर्ड पे लिख रहा है ना, याद दिला दिया मैंने आपको, पूरी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है, बार बार याद ये दिला रहा हूं आपको, ये 100 बिलियन डॉलर का कर्ज देना, इसलिए तो वो कंसेशन पे दे रहा है। 100 बिलियन डॉलर क्या लिखा है आपने हिंदी में? का कर्ज है, इसलिए ब्रैकेट में लिखो 3, मतलब पॉइंट 3 क्यों है, पॉइंट 3 क्यों है, इसलिए है, ठीक है। और ब्रैकेट में लिखो फॉरेक्स लो, विदेशी जमा कम, कम है ना, फॉरेक्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम है, एंड रूबल डाउन, और रूबल भी गिरता जा रहा है, इसलिए करना पड़ा। अब आइए आप लिखो, ऑयल प्राइसेस है फॉलन फ्रॉम, तेल की कीमतें हैं $115 पर बैरल, ऐसे लिखना है $115 पर बैरल, तेल की कीमतें हैं $115 पर बैरल, ब्रैकेट में लिखो जून 2014, से गिर के जनवरी 2015 में $50 पर बैरल हो गई, 115 से गिर के 50 हो गई जनवरी में, और अभी लिखो अभी लेटेस्ट कितनी है, कितनी बताई थी स्टार्टिंग में 60, और अभी वर्तमान में कितनी है $60 पर बैरल। आपको मैं रेट दिखा दूं, इसके लिए एक चार्ट में लाने वाला हूं, उसमें आप देख लो तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि रेट कैसे गिरी है और कैसे बढ़ी है। अभी की रेट कितनी है, 2014 में स्टार्टिंग में कितनी थी और बीच में जनवरी में कितनी हो गई थी, ठीक है उसको देखते हैं। क्या लिख रहे हैं, प्लंगिंग ऑयल प्राइजेस, गिरती बढ़ती ऑयल की कीमतें, जून 2014 में $115 थी तेल की कीमतें, जनवरी 2015 में 50 हो गई और अभी कितनी है 60, तो लगातार तेल की कीमतें गिर रही हैं। और रशिया एक दिन में कितना तेल बाहर भेजता है, 70 लाख बैरल, तो अब बताऊंगा रशिया को कितने का घाटा हो रहा है, वो करके बताऊंगा। ये चार्ट समझ में आ गया, लिख लिया, ये याद रखोगे इसको, वेरी गुड। अगर आपको ऐसे चार्टों का रेफरेंस लेना है, क्योंकि फेसबुक पे अपडेट रहो अनुज घर कोचिंग के पेज पे, आपको ये चीजें वहां पे जरूर मिलती रहेंगी। आगे बढ़े, अब लिखो एक पॉइंट, लिखिए 6th पॉइंट, रशिया वांट एटलीस्ट $100 पर बैरल प्राइस ऑफ ऑयल, रशिया तेल की कीमत कम से कम $100 एक बैरल की चाहता है, तो कितनी चाहता है रशिया, कम से कम कितनी चाहिए रशिया को, कम से कम $1 एक बैरल की रेट, अभी कितनी है, तो रशिया की अर्थव्यवस्था घाटे में चली या फायदे में, चाहता है 100, या रशिया अगर चलता रहे तो कितनी रेट हो 100, अभी कितनी है 60, जरा देखो कहां पे दिख रहा है रशिया, कहां पे दिख रहा है, लीबिया के पास में, इराक के बाद लीबिया, लीबिया के बाद रशिया, कितनी चाहता है रशिया 100, चाहता है ना कि नहीं, है कितनी है, अभी घाटे में चलेगा, घाटे में ही चलेगा ना। इराक कितनी, ईरान कितनी चाहता है 135, है कितनी अभी, भयंकर घाटे में चलेगा। यूएई कितनी चाहता है, अरब, ना घाटा ना फायदा, समझ में आ गया, तो रशिया घाटे में चलेगा कि फायदा, तो उसकी जीडीपी कम होगी बढ़ेगी या कम होगी, अर्थव्यवस्था सिकुड़ेगी या बढ़ेगी, यही तो आपको इतनी देर से बता रहा हूं, पूरा समझ में आ गया कि नहीं अभी तक, लिख लो उसको, रशिया कितनी चाहता है रेट 60। अब जरा कैलकुलेशन करेंगे, बिलो दिस रशिया विल पैनिक, इसके नीचे तेल की कीमत रशिया का दर्द का कारण बनेगी, इसके नीचे तेल की कीमत रशिया के दर्द का कारण बनेगी, तो क्यों बनेगी जरा देख लेते हैं।
अगले चार्ट पे आओ, एक और चीज बता देता हूं। क्या लिख रहा है? टॉप 10 एनुअल नेट ऑयल इंपोर्टर्स, मतलब तेल का आयात करने वाले टॉप 10 देश। इंडिया कौन से नंबर पे दिख रहा है? एक दिन में कितना मिलियन बैरल भारत मंगाता है? 2.7। कितना मंगाता है? 2.7। एक और बात, रशिया एक दिन में बाहर कितना भेजता है? 7। मतलब पूरे भारत में जितनी खपत होती है एक दिन में ऑयल की, उससे दुगना तो रशिया बाहर भेज देता है। समझ में आ गया? यस और नो? अरे रशिया की तो 7 भेजता है ना, इंडिया को 2.7 चाहिए। 2.7 का इंटू अगर मैं 2 से करूं 5.4, 2.5 गुना ज्यादा तो रशिया बाहर भेज देता है एक दिन में जितना तेल भारत में लगता है। जबकि एक भारत की पॉपुलेशन 125 करोड़ है, हमारे यहाँ पे ऑयल का कंजप्शन कम है, तो आर्थिक गतिविधि ज्यादा या कम? बहुत बढ़िया, कम है, सिंपल सी बात है। अमेरिका में 32 करोड़ है, फिर भी इतना ऑयल मंगाते हैं। पहले नंबर पे अमेरिका मंगाता है, जबकि 32 करोड़ पॉपुलेशन है। आर्थिक गतिविधि ज्यादा या कम? भयंकर ज्यादा। 32 करोड़ की पॉपुलेशन कहां खर्च करती होगी तेल को? पीती होगी तेल को। 2.7 मतलब कितने लाख? 27 लाख मिलियन बैरल एक दिन में मंगाता है। याद रहेंगे दोनों? अब लिखो जो मैं लिखाना चाह रहा हूं। अब बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है। रशिया कितनी जाता है? कम से कम रेट 100। इसके नीचे रशिया को खुशी होगी या दुख होगा? तो अब मैं आपको दो चीजें लिखा रहा हूं, रशिया और फिर लिखाऊंगा मैं आपको इंडिया के बारे में। तो पहले रेट कितनी थी? 115। कितने बैरल की? 1 बैरल की। 1 बैरल की थी ना, तो वो नीचे आएगा। अब कितनी थी है? रशिया कितनी चाहता है पहले वो लिखते हैं। रशिया कितनी चाहता है? अब कितनी है आज के हिसाब से ले लो। बहुत बढ़िया, ये एक दिन में 1 बैरल की रहना चाहिए, रहना चाहिए। रशिया एक दिन में कितना बनाता है, कितना भार भेजता है? 7 मिलियन बैरल एक दिन में, 7 मिलियन बैरल एक दिन में। तो ऐसे लिखूं क्या? इंटू 7 मिलियन बैरल एक दिन में, इंटू 7 मिलियन बैरल एक दिन में, इंटू 7 मिलियन बैरल एक दिन में। एक दिन में इतना, तो एक साल का निकाल लो तो कितने दिन से इंटू करो? 365 दिन, 365 दिन, 365 दिन। यहां तक क्लियर हो गया? अब इनके आंसर निकालता हूं, आंसर लिखो। आंसर लिखिए इनके, $294 बिलियन, $266 बिलियन, $153 बिलियन। अब देखो क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर ऑयल की प्राइस 1 बैरल की 100 रही, तो ऑयल से एक साल में रशिया कितने पैसे कमाएगा? $266 बिलियन। उसके खजाने में इतने आएंगे, पहले कितने आ रहे थे? 294, अब कितने आएंगे? 266, और अब कितने आएंगे? 153। मतलब अब आपने पहले ये पढ़ लिया, रुको एक मिनट, आपने पहले क्या ये पढ़ लिया क्या? $130 बिलियन से रशिया के रिजर्व कम हुए। आपने क्या ये पढ़ा क्या? $150 बिलियन वापस खींच लिए निवेशकों ने, और आपने अब कितना देख लिया, लगभग कितना कम हो गया? $140 बिलियन। तो ये तो लगातार 1 ट्रिलियन तक पहुंच रहा है, 1000 अरब तक पहुंच रहे हैं, तो ये तो बड़ी समस्या की बात हो जाएगी। तो रशिया के ऑयल के भंडारों की कीमत भी गिर रही है। समझ में आ गया कि नहीं पूरा? उसके पास पैसा कम हो रहा है, अब ज्यादा हो रहा है। अब इंडिया को देखें, एक साल में ये हो गया, अब इंडिया का देखते हैं एक साल में क्या कह रहा है इंडिया। अब इंडिया पे आओ, यही चीज हम इंडिया के लिए देख लेते हैं। इंडिया
चलिए इंडिया को देखो, कितनी चाहिए इंडिया को? अभी पहले कितनी थी? डॉलर 115 बैरल, सॉरी डॉलर 115 एक बैरल की। एक दिन में इतना इंडिया कितना मंगाता है बताया था? 2.7 मतलब 27, 2.7 मिलियन। क्लियर है? एक 365 दिन का निकालना है, कैसे इनटू कर दूं? तो डे से डे कट गया, बैरल से बैरल कट गया। अभी रुक जाओ, अभी कितनी है? 60 इंटू 2.7 मिलियन पर डे इंटू 365 डे। तो आप लिखो ऊपर वाले का आंसर 104 बिलियन डॉलर, नीचे वाले का आंसर लिखो 55 बिलियन डॉलर। तो भारत में अब पैसा बचाया गया, पहले वो 104 भेजता था, अब कितना बच गया? अब इसको देखते हैं जरा, लगभग कितना हो गया? 50 बिलियन। 1 बिलियन में कितने करोड़? 1 बिलियन में कितने करोड़? 50 में 5000 करोड़। रुक जाओ भी, 5000 करोड़ डॉलर, 1 डॉलर में कितने रुपए? इंटू 60, 10 इधर बढ़ा दूं, 30 हो गया, 1 2 3 4 1 2 3 4, 1s 10s 100,000 10,000 lakh, 3 लाख करोड़ रुपए भारत में एक साल में बच रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्सेस पे लगाने थे ना तुम्हें, मानव संसाधन पे, उनको संपत्ति बनाना था ना, अभी वो जिम्मेदारी है, 125 करोड़ देश को आगे बढ़ाना था ना। ये थोड़ा पैसा आपने ऑयल की प्राइस गिरा दी, इतना पैसा बच रहा है। जैसा नो, ये है पूरा गेम, इसका ऑयल का पूरा गेम, और अभी तो ऑयल का आधा गेम भी नहीं हुआ, 20%, अब होगा धीरे धीरे उस कहानी की तरफ चल रहे हैं।